डियर डियर दीपक फोन निकालना। सामने अगर विजिबल होगा तो वहां पे आपको एक हिरन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे एक वाइल्ड एनिमल साइट हुआ है। तो भाजू ये बगल में बर्फ दिख रही है, ये सारी बर्फ है जो हमारे राइट साइड है, पूरे बर्फ ही बर्फ। तो भैया यहाँ से फटाफट निकल लो, उससे पहले काले बादल आए और हम भी बर्फ में फंसे। तो यहाँ से निकलते हैं फटाफट और अभी रुकेंगे उपाशी में, वहाँ करेंगे हम अपना थोड़ा सा लंच टाइम, क्योंकि हमने उस समय भी कुछ खाया नहीं, एक मैगी खाई वो भी खाई नहीं गई, मैं भी मैगी कम खिचड़ी ज़्यादा बना रही थी वो। यहाँ के लोकल लाइट से घर देखिए, बस आज तो ले सिटी पहुँचना है हमको कैसे भी। 100-102 किलोमीटर, ये कौन सी नई जगह है। हम तो सुमाई में रुकेंगे, वहीं खाएंगे खाना पीना। देखो ब्राउन माउंटेन एवरीवेयर, अरे जो लोग खेती है, बहुत बढ़िया लग रहा है व्यू देखो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप दूसरी दुनिया में आ गए। राइट साइड पे देख सकते हो ट्रीज वगैरह लगा रखे, तो बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है ये यहाँ पर, तो मज़ा आ रहा है। बोलो राइट पे मैं और दीपक काफ़ी आ गया, अभी उन्हें 25 किलोमीटर और चलाने की जगह, तो हम ब्रेक लेंगे थोड़ा सा, तो लगातार हो जाएगा हमारा 50-60 किलोमीटर। और यहाँ पे चलाने में ज़्यादा थकान फील होती है, क्योंकि जो रोड है वो बहुत ऐसी है, बम्पी, नॉट स्टेबल, प्लेन नहीं है, मतलब कुल मिला के बोला जाए। देखो आगे रेड कलर के माउंटेन्स, पहुंच चुके हैं। और इससे पहले आपको एक टोल देना पड़ेगा, जिसमें टू व्हीलर का है 20 रुपीज़ और फोर व्हीलर का है 100 रुपीज़, और बाकी बड़े ट्रक का तो पता नहीं मुझे। तो भाई ये बहुत ही क्यूट सी टाउन है उपासी ब्रिज, और ये है यहाँ का ब्रिज। लेट्स सी, एक लेक, बढ़िया है यार, देखो 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 जलवा। अब देखते हैं कौन सा रेस्टोरेंट है, तो सामने बैठ जाते हैं हमारे रेस्टोरेंट में। यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे कहीं भी बैठ जाए, देख ही लेंगे वो तो, हमारे रेस्टोरेंट में बैठते हैं ना। तो भाई 1.5 घंटे बाद हमारे अजहर भाई लोगों ने हमें अपने दर्शन दिए और हम यहाँ खड़े हैं। अब बहुत गालियाँ सुनने के बाद इन्होंने बोला चलो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हमें अभी पास और सिम लेना है। चल रहा है तुम्हारा सिम? बाकी ये बीच में रुक गए थे तो इन्होंने किसी की हेल्प भी करी थी, तो इस चक्कर से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, अब हम बस निकलते हैं फटाफट। अरे राइडर्स भाई लोग काफ़ी लेट पहुँचे हैं और हम सीधे निकलेंगे यहाँ से। ले से पहले हमें बनाने हैं पासेज और
एक लेना है हमें अपना सिम, जिससे आप लोगों को हमारे इंस्टा पे अपडेट मिलते रहे। और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो आप हमें फॉलो कर सकते हो, अभी नेम स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो अभी चलते हैं, बस 49 किलोमीटर बचा और थोड़ा पेलते हुए चलेंगे यहाँ से। हमारी नदी है और राइट साइड हमारे अजहर भाई लोग, और अजहर भाई लोग कह रहे हैं कि स्पेशल डिमांड में कि हमको भी ब्लॉग में ले लीजिए। तो हमने बोला चलो अब उनके पीछे चलते हैं, थोड़ा इनको सेंटर अट्रैक्शन बनाते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट रोड और सनसेट भी हो रहा है, और सूरज उसके पीछे से, बादलों के पीछे से देखो कैसा दिख रहा है, बर्फ भी उस साइड। सो अभी कारू पहुँचना है, पहुँचेंगे 10-11 किलोमीटर दूर है, उसके बाद सीधा लेह, तो फिर पैंगोंग भी जाएंगे। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो राइड थी बहुत ही डिफ़िकल्ट रही मेरे लिए अभी तक, और फर्स्ट टाइम मैंने इतनी लंबी राइड मारी है अभी इतने स्ट्रेच पे। जितना भी एरिया, ये आर्मी का एरिया है, आर्मी स्टेशन बहुत बढ़िया से बना रखा है, जो भी ट्रेनिंग वगैरह होती है उस हिसाब से। बाकी देखिए ग्रीनरी, इतने टाइम बाद हरी हरी चीज़ें दिखी, मुझे तो सब एवरीथिंग इज ब्राउन। तो भाई इस जैगवर वाले भाई साहब ने भी पेल रखी है पूरी गाड़ी, पूरा बाइक गार का पोटेंशियल खोलते हुए। चला लो तेज। दिस इज द सिटी, साइड में फॉरेस्ट है ग्रीन कलर का, और काफ़ी वेल मैनेज्ड और काफ़ी सुंदर लग रही है सिटी। बोले अभी स्टिल अराउंड होगा 40+ किलोमीटर दूर, पहले चलो पहुँचते हैं कि पासिस वगैरह में भी हमें टाइम लग जाएगा। तो जुले में होगी हमारी एंट्री,
तो सनसेट। बाकी अभी चेक करूँगा तो सिर्फ इतना ही आ रहा है साउंड में आने, क्योंकि बाइक काफ़ी स्पीड में, हम 82 90 डाउ भी चल रहा है, तो भैया पहले थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं। सनसेट हो रहा है, बस सनसेट से पहले पहुँचे, 7 बज चुका है ऑलरेडी, वी आर ऑलरेडी लेट। और इधर देखो जो सनसेट की रेज आ रही है, इधर देखो सन कितना प्यारा लग रहा है देख। टोटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड व्यू। यहाँ का लोकल एरिया स्टार्ट, और देख सकते हो आप घर मोहल्ले उस तरह का नज़ारा भी। और अभी भी ऑलमोस्ट अराउंड मेरे ख्याल से 21-22 किलोमीटर दूर है ले, और देखो ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है, बच्चे घूम रहे हैं जैसे कि होता है हर जगह। बाकी सनसेट का व्यू, मज़ेदार यार, कूल, इट्स फकिंग कूल, मज़ा आ रहा है। तो भाई हम बस पहुंचने ही वाले हैं लेह सिटी के अंदर एंट्री लेने, और रोड वोड काफ़ी बढ़िया है इधर, तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास सिटी है, सारे शोरूम है A to Z। होपफुली सामने आपको विजिबल होगा अभी, और अभी देख लो 7:30 हो गया और अभी भी अंधेरा नहीं हुआ यहाँ पर, बढ़िया है। तो लो इस लेह सिटी के अंदर हो चुकी है एंट्री, स्टॉप पार्किंग नो पार्किंग। अभी अपने सारे दोस्त आगे चले गए, उसने गलत राइट टर्न ले लिया था, चलो कोई नहीं अभी तो सही रास्ते में अपन लोग। देखो ले सिटी ऐसी है, बाकी काफ़ी क्लीन और वेल, क्लीन और वेल मैनेज्ड है। बाकी एक्सप्लोर करते हैं थोड़ी देर बाद सिटी को।